कोरिया जिले की सीमा से लगे मारवाही के बिलझरिया गांव में स्थित कमला नेहरू कन्या छात्रावास में रहने वाली 12 छात्राओं के बीमार होने पर उनको मारवाही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। इन 12 में से 10 छात्राओं के पेट दर्द की शिकायतों के बाद उनको अस्पताल में लाया गया है, जहाँ पर इनका उपचार किया जा रहा है। वहीं 2 छात्राओं को मलेरिया के लक्षण की पुष्टि होने के बाद हड़कंप मचा है और छात्राओं का गंभीर हालत में मारवाही में ही इलाज किया जा रहा है। सर, ये बिलझरिया छात्रावास से 12 बच्चे लाए गए, क्या हुई है, क्या स्थिति है उनकी? 12 बच्चे कल रात को हॉस्पिटल लाए गए, उसमें रात को ही हमने ब्लड टेस्ट कराया तो उसमें 2 बच्चों को मलेरिया पॉजिटिव आया है, उसका तुरंत इलाज चालू कर दिया गया है। बाकी बच्चे को पेट दर्द वगैरह बताया जा रहा है और सिर में दर्द, तो उसके मलेरिया और टाइफाइड इनको नहीं है, ब्लड टेस्ट सबका हो चुका है, तो ये हमको वायरल गैस्ट्राइटिस जैसा लक्षण लग रहा है, तो इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। हम अपने ऑब्जर्वेशन में सब बच्चों को रखे हैं और अभी सभी की स्थिति स्थिर है। आपको बता दें कि इसी छात्रावास की कक्षा 1 में पढ़ने वाली छात्रा की मौत 1 सप्ताह पहले 18 जुलाई को हुई थी, जिसमें जांच में लापरवाही का दोष पाते हुए कलेक्टर ने अधीक्षिका को निलंबित कर दिया था। इसके बाद अब इसी छात्रावास की 12 छात्राओं के बीमार होने का मामला सामने आया है, जिससे छात्रावास में छात्राओं की सुविधाओं एवं खान पान में लापरवाही की बात सामने आ रही है। यहाँ यह भी कहना लाजमी होगा कि लापरवाही या अनियमितता बरतने वाले अधीक्षक को विभाग के अधिकारी के द्वारा अधीक्षक पद से हटाया नहीं जाता, यदि हटाया भी गया तो उन्हें दोबारा किसी और छात्रावास में रख दिया जाता है, जबकि इस क्षेत्र में ज्यादातर शिक्षक ही यहाँ प्रभारी अधीक्षक बने बैठे हैं। अनपूर्णा जी, कहाँ से आई है, क्या हुआ है बच्चों को? छात्रावास क्या हुआ बच्चों को? कब से हो रहा है? सिर दर्द हो रहा है, कल से हो रहा है। परसों से। कितने बच्चों को लाए होंगे यहाँ? तो आए थे 12 लोग। अभी क्या स्थिति है? ठीक है। तो क्या क्या बीमारी बताया डॉक्टर ने, क्या हुआ था? पेट दर्द था, क्या था? पेट दर्द हो रहा था, पेट दर्द, सिर दर्द। गुरेला से FK फारूकी का रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।